हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पेपर वन से रिलेटेड, जो आपका जनरल स्टडीज़ पेपर वन है, उससे रिलेटेड कुछ साइंस का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। साथ साथ बिहार करंट अफेयर्स हो सकता है, ओके। बिहार करंट अफेयर्स आपका है, मोस्टली इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी और जी एस से भी, और थोड़ा बहुत इधर उधर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ओके। और दोस्तों एडमिट कार्ड से रिलेटेड जिनका भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो घबराए नहीं। देखिए एडमिट कार्ड जरूर मतलब फिर से डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। लास्ट नाइट जो हुआ था आप लोग को उसमें बता दिए थे आपको करना चाहिए, नहीं कि कोई बात नहीं, किसी का भी नहीं। अभी जिनका एडमिट कार्ड दोस्तों डाउनलोड हो चुका था उनका भी अभी जो डैशबोर्ड पे है, डैशबोर्ड पे कुछ नहीं दिख रहा है, ओके। जैसा आपका नहीं दिख रहा है तो उनका भी कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसी बात नहीं है कि किसी ने फॉर्म को जाके जो सबमिट करना था बाय पोस्ट स्पीड पोस्ट करना था उन्होंने नहीं किया तो उनका नहीं, ऐसी बात नहीं, किसी का भी नहीं दिख रहा है। तो ये सब के साथ समस्या है, इस पर ज़रूर आयोग काम कर रही होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, तो देखिए आज तक में ठीक हो जाना चाहिए, ओके। स्टार्ट करते दोस्तों, तब तक कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजुअली एग्जाम में पूछ देता है कि फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आप देखें फॉरेस्ट का जो एरिया में अचानक कमी आ रही है इसके पीछे कारण क्या क्या हो सकता है, ओके। फर्स्ट है माइनिंग ऑफ मिनरल्स, बिल्कुल मिनरल्स के माइनिंग के लिए हम जो मिनरल्स निकालते हैं अर्थ के नीचे, उसके लिए बहुत सारे हमको जंगलों को काटना पड़ता होगा। हाल ही में आपने एक खबर भी सुना होगा कि मध्य प्रदेश में पता लगा है कि बहुत ज़्यादा सोना है, तो बहुत बड़े एरिया को वहाँ पर जो फॉरेस्ट वाला एरिया है उसको पूरी तरह से वहाँ पर कटाई होगा और तब उसके बाद खुदाई करके वहाँ से सोना निकाला जाएगा, ऐसा था। तो मिनरल्स के माइनिंग के लिए भी आपका फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन डैम्स एंड रोड्स, बिल्कुल सही बात है, जो आपका रोड बनाना हो या डैम बनाना हो उसके लिए बहुत बड़े मतलब लार्ज स्केल में बहुत बड़े एरिया का फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट किया जाता है, ये भी सही बात है। अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्कुल शहरीकरण तो इसी के कारण ही होता है। शहरीकरण में आप देखेंगे, या आपने भी अगर कहीं सिटी टाइप में अगर घर लिया होगा तो देखेंगे कि ऑब्वियसली पहले वहाँ पर जंगल ही रहा था, उसके बाद ही लोग वहाँ पर घर मतलब बसाते हैं। तो अर्बनाइजेशन के लिए तो बिल्कुल, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री लगाने के लिए भी फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है। यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल नहीं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट नहीं करते हैं। हमारा 1 to 3 सही है दोस्तों, हमसे पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो 1, 2 and 3। देखिए डिफॉरेस्टेशन मतलब वृक्षों की कटाई। डिफॉरेस्टेशन कैन बी डिफाइंड एज लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ ट्री फ्रॉम फॉरेस्ट फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब पेड़ों की बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई किया जाता है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को, मतलब उसको फैसिलिटेशन मतलब एक सुविधा प्रदान करने के लिए। इट इज़ अ सीरियस इन्वायरमेंटल कंसर्न सिंस इट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द बायोडायवर्सिटी, डैमेज टू द नेचुरल हैबिटेट, डिस्टर्बेंस इन द वाटर साइकिल एंड सॉइल इरोजन। बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि इसके कारण आपका बायोडायवर्सिटी का लॉस होता है, जैव विविधता जो है उसका लॉस होता है, नेचुरल हैबिटेट बहुत सारे एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट देखिएगा इसमें लॉस होता है, यही कारण है हम उसके फॉरेस्ट को लॉस कर देते हैं दोस्तों। इसलिए देखिए पहले बंदर सब कहाँ जंगल में रहा करता था, लेकिन आज गांव में घरों में सबके छत पर आ जाता है बंदर, क्यों, उसके पास जंगल है ही नहीं, कहाँ वो मतलब रहेगा। यही बात है कि जिसके जहाँ भी पश्चिमी चंपारण के साइड में दोस्तों बाघ टाइगर जो है वो जंगलों में रहा करता है, लेकिन वहाँ भी उसके लिए जंगल छोटा पड़ रहा है तो वो गांव में घुस जाता है, कभी कभी हमला कर देता है, कभी लोग उस पर हमला कर देते हैं, तो आपस में ये चलते रहता है। इसका यही कारण है कि फॉरेस्ट का बड़े पैमाने पे डिस्ट्रक्ट किया गया है, उसके नेचुरल हैबिटेट को ख़त्म किया गया है कहीं ना कहीं। डिस्टर्बेंस इन द वाटर साइकिल, फॉरेस्ट कटेगा तो वाटर साइकिल का भी मतलब डिस्टर्बेंस हो सकता है, और सॉइल इरोजन तो होता ही है। डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में भी इसका बड़ा योगदान है डिफॉरेस्टेशन के कारण। फॉरेस्ट कवर अप्रॉक्सिमेटली 31% ऑफ द टोटल एंड लैंड सर्फेस ऑफ द अर्थ, पूरे पृथ्वी पर 31% फॉरेस्ट का एरिया होना चाहिए। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हाउएवर हार्बर ओनली हाफ ऑफ द लैंड बेस्ड एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज इन द वर्ल्ड। देखिए जो ट्रॉपिकल हमारा फॉरेस्ट है, इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है, ओके, ये 0 degree इक्वेटर है, यहाँ 37 degree ट्रॉपी ऑफ कैंसर और 37 degree ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ ही है ये साउथ है दोस्तों। ये जो ट्रॉपिकल एरिया है ये लगभग हाफ ऑफ द लैंड बेस्ड एनिमल, जितना भी मतलब धरती पर लगभग आधे जितना भी एनिमल उसका आधा परसेंट तो कह सकते हैं 50% तो यही आपका ट्रॉपिकल एरिया में भी रह रहा है, ओके। देखिए बिटवीन ईयर्स 2000 एंड 2012 ओवर 568 million एकर ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लेम्ड बाय डिफॉरेस्टेशन। 12 साल के अंदर 568 million फॉरेस्ट को मतलब कह सकते हैं कि डिफॉरेस्ट कर दिया गया है
अप्रॉक्सिमेटली 9 मिलियन एरियाज टू वर्जिन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वेयर कट डाउन इन द 2018। बहुत ही बड़ा डाटा है दोस्तों कि 2018 के अंदर देखिए 2018 के अंदर 9 मिलियन एकड़ ऑफ वर्जिन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो बिल्कुल एकदम नया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था, ओके, उसको मतलब डिस्ट्रक्ट कर दिया गया है 2018 में। द अमेजन रेन फॉरेस्ट विच इज द सोर्स ऑफ द 20% ऑफ द टोटल वर्ल्ड ऑक्सीजन सप्लाई लॉसेज अप्रॉक्सिमेटली 1.32 एकर ऑफ इट्स एरिया एवरी ईयर ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है ब्राजील में, साउथ अमेरिका में दोस्तों, वहाँ लगभग प्रत्येक मिनट, एवरी मिनट देखिए 1.32 एकड़ वहाँ का मतलब वृक्षों की कटाई हो रही है, बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई हो रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल कंसर्न है। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या क्या हो सकता है, तो ओवर पॉपुलेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ कल्टिवेशन, बहुत ज़्यादा मतलब जनसंख्या का भरना, और हम चूंकि एग्रीकल्चर को शिफ्ट कर रहे हैं आगे की तरफ। ओवर ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट फायर, ओवर ग्रेजिंग के कारण भी देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, ओवर ग्रेजिंग, अगर हम बहुत सारे जो भी कैटल हैं उसका अगर ओवर ग्रेजिंग करवा दें फील्ड पर, तो उसके कारण भी डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। फॉरेस्ट फायर, ऑस्ट्रेलिया में होता फॉरेस्ट फायर, उसके कारण बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फ्यूल, फ्यूल का अगर डिमांड बढ़ जाए तो उसके लिए भी हो सकता है। एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल फार्मिंग के लिए भी फॉरेस्ट को काटा जाता है। लॉगिंग, कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर यूज एज रॉ मटेरियल, पेड़ों की कटाई ताकि उसका हम इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट है माइनिंग एंड अर्बन एक्सपांशन, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एरिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए डैम्स हो सकता है आपका, रोड्स वगैरह बनाने के लिए हम फॉरेस्ट को काटते हैं, तो ये सब डिफॉरेस्टेशन का कारण हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट ड्यू टू हरिकेन, फ्लड एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज, इन्वेजन ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम बाय पैरासाइट एंड डिस्ट्रॉयटरी, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों। कभी कभी कोई कोई पैरासाइट आ जाता है, पैरासाइट आके और वो कह सकते हैं वायरस वगैरह आता है और पूरे के पूरे जंगल को हिसाब करता है, बिल्कुल संभव है दोस्तों। ऐसा एक बार हो भी चुका है ऑस्ट्रेलिया के आसपास, प्रिकली पियर कैक्टस जो था उसमें एक नई स्पीसीज कोई आ गई थी, इन्वेजन कर गया था, जिसके कारण पूरा का पूरा जंगल को ही मतलब पूरा कैक्टस को ही साफ कर दिया गया था, ऐसा था। फॉरेस्ट फायर आर स्पार्कल्ड बाय लाइटनिंग एंड अदर नेचुरल फिनोमिना, जैसे कि आपने सुना भी होगा जो कोविड आया था, कोविड के कारण कितने आदमी की डेथ हो गई थी, तब आदमी को मतलब इतना नुकसान पहुंचा सकता है तो ये सब जंगल को क्यों नहीं पहुंचा सकता है। ओके, तो ये सब हम देखे थे। देखिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, जो हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का स्रोत है, ओके, वो हमारा इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है एंड डो नॉट कॉज द डिस्ट्रक्शन फॉरेस्ट, ये किसी प्रकार को फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता, जैसे आपका सोलर एनर्जी हो सकता है, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड है, बिहार फर्स्ट मॉडल ऑफ फ्लोरिकल्चर सेंटर इज बिंग बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार का जो फर्स्ट मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर है, ओके, मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर है, उसको कहाँ पर बनाया जाएगा, ओके, गया में, पटना में, नालंदा में या बक्सर में। तो देखिए दोस्तों कहाँ पर, नालंदा में, याद रखिएगा नालंदा में फर्स्ट मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बनाया जाएगा, ओके, नालंदा, बिहार फर्स्ट मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर विल बिल्ट इन भागिन बीघा नालंदा, फ्लावर क्रॉप नर्सरीज विल बी प्रिपेयर्ड विथ हाईटेक टेक्नोलॉजी, यहाँ पर नर्सरी वगैरह बनाया जाएगा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड एक्सरसाइज ऑफ टेकिंग द मॉडल सेंटर फॉर द ग्राउंड, मतलब सरकार से परमिशन मिलने के बाद अब इसको ग्राउंड पर लागू करेगा। ट्रेनिंग विल बी गिवन टू द फार्मर्स ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, देयर विल बी ऑल्सो ए पॉन्ड इन विच लोटस एंड अदर एक्वेटिक फ्लावर विल बी कल्टिवेटेड, इसमें लोटस को और दूसरे फ्लावर को, जो एक्वेटिक प्लांट है कह सकते हैं, एक्वेटिक फ्लावर हो सकता है, एक्वेटिक प्लांट हो सकता है, उनको भी यहाँ पर ग्रोथ करवाया जाएगा, कल्टिवेशन करवाया जाएगा। अबाउट 2.80 crores विल बी स्पेंट ऑन द स्कीम, यहाँ पर देखिए 2.8 crore इस पर पूरे स्कीम पे खर्च किया जाएगा। फ्लोरिकल्चर क्या होता है, तो फ्लोरिकल्चर फ्लावर फार्मिंग इज द स्टडी ऑफ ग्रोइंग एंड मार्केटिंग फ्लावर एंड फोलियज प्लांट, जो भी हमारा फ्लोरिकल्चर के अंदर हम फ्लावर का मतलब कल्टिवेशन करते हैं और इसके स्टडी रिलेटेड हम बातें करते हैं, ओके, तो ये हमारा फ्लोरिकल्चर होता है दोस्तों, याद रखिएगा नालंदा में फर्स्ट मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर ऑर्गेनाइज करा जाएगा या एस्टेब्लिश होगा। ये भी बिहार से करंट अफेयर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। इन अप्रैल 2022 बिहार गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ओपन फर्स्ट फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन बिहार, देखिए पहला जो भी चीज़ पहला होता है ना यूजुअली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फर्स्ट फायर ब्रिगेड, जो पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है बिहार में, कहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा, ओके, कहाँ पर खोला जाएगा, तो पटना में, राजगीर में, बिहटा में या गया में। तो याद रखिएगा जो फर्स्ट फायर हमारा ट्रेनिंग सेंटर है आपका बिहटा में खोला जाएगा दोस्तों, बिहटा पटना में ही है। इन अप्रैल 22 गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ओपन द फर्स्ट फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट बिहटा, द एम ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द फायर फाइटर ऑफ बिहार, ऑब्वियसली जो हमारा फायर फाइटर उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा यहाँ पर
नाउ फायरमैन विल नॉट नीड टू गो टू आउटसाइड स्टेट टू ट्रेनिंग. पहले लोग जो मतलब दूसरे स्टेट में जाते थे ट्रेनिंग के लिए. बिहार इज लाइकली टू गेट न्यू ट्रेनिंग सेंटर रेडली विद द 2 or 3 years, 2 से 3 साल में यह बन जाएगा. बीटा इज फास्ट ग्रोइंग टाउनशिप इन द पटना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. इट इज़ लोकेटेड 35 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ पटना. ये मतलब दक्षिण पश्चिम आपका जो पटना के दक्षिण पश्चिम में लगभग 35 किलोमीटर मेन टाउन से दूरी पर है बीटा. और बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोइंग करने वाला ये टाउनशिप है पटना का. बीटा इज ऑल्सो एन अपकमिंग सेटेलाइट टाउन ऑफ पटना. ये भी देखिए अपकमिंग सेटेलाइट टाउन भी बनने वाला है बीटा. तो ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम इकोलॉजी से. नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस आर डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एज ए सेट ऑफ एक्शन टू. जो हमारा नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है जो IUCN उसको डिसाइड किया गया है. IUCN ने इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी हेडक्वार्टर कहाँ था दोस्तों? ग्लैंड. जो हमारा ग्लैंड है स्विट्जरलैंड में वहाँ पर इसकी हेडक्वार्टर है. ओके ग्लैंड स्विट्जरलैंड में पूछ सकता है IUCN की हेडक्वार्टर. तो उसमें जो नेचर बेस्ड स्कीम को इन्होंने डिफाइन किया गया है कैसे डिफाइन किया है तो देखिए प्रोटेक्ट सस्टेनेबिलिटी मैनेज एंड रीस्टोर नेचुरल एंड मॉडिफाइड इकोसिस्टम टू टैकल सोशियो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. तो प्रोटेक्ट सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट एंड रीस्टोर नेचुरल एंड मॉडिफाइड इकोसिस्टम टू टैकल सोशियो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. ये हमारा नेचर बेस्ड जो आपका सॉल्यूशन है IUCN ने इसको इस प्रकार से डिफाइन किया गया. फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ बिहार हैज सेकेंड लार्जेस्ट घरियाल पॉपुलेशन इंडिया. बिहार में वह कौन सा रिवर है जिसमें घरियाल का पॉपुलेशन पूरे भारत में दूसरा है, मतलब दूसरा सबसे ज़्यादा है. सेकेंड लार्जेस्ट घरियाल पॉपुलेशन इंडिया इन जुलाई 2022, वह कौन सा रिवर है? तो आपका गंडक है, बागमती है, क्यूल है या फल्गु है. तो गंडक नदी में जो आपका घरियाल की संख्या है भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा गंडक में दोस्तों. देखिए गंडक रिवर हैज़ नाउ सेकेंड लार्जेस्ट घरियाल पॉपुलेशन इन इंडिया. इन ए ज्वाइंट रिपोर्ट बाय द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एज मेनी एज 148 घरियाल्स हैव बीन रिलीज्ड इन द गंडक देयर बाय टर्निंग द रिवर हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट घरियाल पॉपुलेशन आफ्टर द चंबल रिवर इन द कंट्री. देखिए सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि घरियाल का पॉपुलेशन किस नदी में, तो चंबल. ओके एंड सेकेंड हाइस्ट पूछे तो आपका गंडक में है. द गंडक रिवर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज नेशनल हैबिटेट ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड घरियाल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2016. देखिए देखा गया था 2016 में यह नेस्टिंग हैबिटेट है. नेस्टिंग हैबिटेट मतलब जहाँ पर आके वो ब्रीडिंग करते हैं. ओके घरियाल वगैरह जहाँ पर आके ब्रीडिंग करते हैं उसको नेस्टिंग हैबिटेट कहते हैं. अलग अलग और मतलब एनिमल का भी हो सकता है नेस्टिंग हैबिटेट. तो जो गंडक में देखा गया कि आपका जो है घरियाल वगैरह आके नेस्टिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, तो इसलिए इसमें बहुत सारा घरियाल को छोड़ा गया है. तो सबसे ज़्यादा पहले आपका चंबल में घरियाल की संख्या और सेकेंड लार्जेस्ट पूछे तो यहाँ पर है आपका गंडक में, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट वो आपको बताना है. देखिए फर्स्ट है द फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम कंटेन वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन सल्फर. जो हमारा कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है उसमें क्या नाइट्रोजन सल्फर का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है? नहीं दोस्तों, ऑब्वियस नाइट्रोजन सल्फर का ज़्यादा क्यों होगा, ये भी होता है, लेकिन कार्बन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है. फ्यूल है तो कार्बन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा. तो ये तो हमारा गलत हो गया. और देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग. बिल्कुल वाटर वेपर का जो फॉर्मेशन है उसके एक्टिविटीज़ को ह्यूमन उसके एक्टिविटीज़ को या उसके कर सकते हैं उसको प्रभावित कर सकता है. बिल्कुल सही है. थर्ड है इन कोस्टल एरियाज द डायरेक्शन ऑफ विंड चेंजेज फ्रॉम डे टू नाइट. बिल्कुल जो हमारा तटीय प्रदेश है, तटीय प्रदेश में जो विंड का डायरेक्शन है डे और नाइट में अलग अलग हो जाता है. बिल्कुल आपने सी और लैंड ब्रिज के बारे में पढ़ा भी होगा दोस्तों. एक तो होता है सी ब्रिज, एक तो लैंड ब्रिज. ओके ये अलग अलग जैसे समय में दिन में अलग रात में अलग. दिन में आप कह सकते हैं दिन में पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो जाती है. ओके तो हवा का पृथ्वी का हवा ऊपर उठ जाता है. तो समुद्र की तरफ से जो हवा है वो अर्थ की तरफ इधर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आता है. उसको हम क्या कहते हैं? सी ब्रिज कहते हैं, सी ब्रिज. ओके और यही चीज़ रात में क्या होता है कि रात में पृथ्वी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ज़्यादा ठंडा हो जाता है और समुद्र उस समय तक गर्म ही रहता है, उतना ज़्यादा ठंडा पानी, क्योंकि पानी देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है, तो वो उतना जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है. तो वहाँ का हैबिटेट गर्म रहता है, तो वहाँ का हवा ऊपर उठता है समुद्र का हवा, और लैंड से हवा आपका कह सकते हैं लैंड, इधर जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट था कोस्टल हैबिटेट लैंड था वहाँ से हवा इधर तब जाता है, तो इसको हम कहते हैं लैंड ब्रिज. तो डे और नाइट में वहाँ का डायरेक्शन बदल जाता है हवा का. तो बिल्कुल सही है. नेक्स्ट है द कम्बसन ऑफ फॉसिल फ्यूल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन द एयर. बिल्कुल सही बात है. जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5,
2.5 पार्कुलेट मैटर है दोस्तों, ये बढ़ जाता है कब, जब हम फॉसिल फ्यूल को ज़्यादा बर्न करते हैं तो पार्कुलेट मैटर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ओके, कंबसन करवाते हैं तो। आपने इसके बारे में सुना भी होगा, पटना का भी हवा दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब है, ओके, जो यहाँ का पार्टिकुलेट मैटर है 2.5, इसका कंसंट्रेशन लगभग 50 तो बेस्ट माना जाता है, 100 को भी कह सकते हैं कि संतोषजनक है, और 100 से 200 है तो आपका एवरेज के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर 300 से ऊपर है दोस्तों, 300 से ऊपर है पार्टिकुलेट मैटर, जो कि खतरनाक स्थिति में है। दिल्ली का तो बहुत खतरनाक है ही, पटना का भी हवा बहुत खतरनाक है, तो आप अगर बाहर निकले तो ज़रूर मास्क पहन के ही बाहर निकले दोस्तों। ये पार्टिकुलेट मैटर दिखते नहीं है, लेकिन आपको मतलब लंग्स में ये इन्फ्लामेशन कर सकते हैं, ओके, लंबे समय तक यदि आप बिना मास्क के रहेंगे तो गड़बड़ कर सकता है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत था, फॉसिल फ्यूल्स द बरीड कंबसन जियोलॉजिकल डिपॉजिट ऑर्गेनिक मटेरियल फाउंड फ्रॉम डिकेड प्लांट एनिमल दैट हैव बीन कन्वर्टेड टू क्रूड ऑयल कोल नेचुरल गैस और हैवी ऑयल बाय एक्सपोजर टू हीट एंड प्रेशर इन द अर्थ क्रस्ट ओवर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अब फॉसिल फ्यूल कैसे बना है दोस्तों, आप तो जानते हैं कि जो हमारा पेड़ पौधा कह सकते हैं एनिमल वगैरह बहुत साल पहले लाखों करोड़ों साल पहले जो दब गया था धरती के नीचे, उसी वही डिकम्पोज करके फॉसिल फ्यूल क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो गया है, ओके। दीज आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ सम इम्प्यूरिटीज, ये हाइड्रोकार्बन है उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज भी हैं, शुद्धियाँ भी हैं। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल बाई ह्यूमन इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम जो फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं उससे सबसे ज़्यादा जो अगर कोई चीज़ इमिट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है, विच इज़ वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज कंट्रीब्यूशन हैवीली टू ग्लोबल वार्मिंग। और ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है किसका, तो ग्रीन हाउस गैसेज में जो हमारा GHG है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसेज है GHG, इसमें सबसे ज़्यादा तो आपका CO2 है, CO2 आपका 60% के आसपास है, उसके बाद CH4 है ये आपका 20% के पास है, उसके बाद भी और अलग अलग गैसेज होता है, वाटर वेपर भी थोड़ा बहुत, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओके, ओजोन है, ये आपका ग्रीन हाउस गैसेज सब है। ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा आपका CO2 होता है, CO2 फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से, चाहे कोल हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, और भी जो है उसको बर्न करने से ये CO2 गैस रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन आर ट्रेस गैसेज दैट अमाउंट ऑलमोस्ट 1.1% अर्थ एटमॉस्फेयर एंड हैव एन अप्रिसिएबल ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन सारे गैसों का ग्रीन हाउस इफेक्ट में थोड़ा थोड़ा योगदान तो होता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा है। इन अदर वर्ड, इन ऑर्डर द मोस्ट अबंडेंट क्लेरिफिकेशन नीड ग्रीन हाउस गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर आर, देखिए कुछ है वाटर वेपर है, इन ग्रीन हाउस गैसेज ये भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, HFC। आउट ऑफ दीज जीएस ग्रीन हाउस गैसेज वाटर वेपर इज नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, वाटर वेपर ह्यूमन एक्टिविटी क्रिएट नहीं करता, ऑब्वियसली वाटर वेपर दोस्तों आपका थोड़ा भी अगर टेम्परेचर है तो जो हमारा सी का समुद्र का पानी वाटर वेपर में बन के ऊपर जाता है और बादल बन जाता है, ओके, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई ह्यूमन बॉडी ह्यूमन एक्टिविटी बट देयर इन्फ्लुएंस इज एक्सपेक्टेड, हम इसको ऑब्वियसली बात, वाटर वेपर नॉट क्रिएटेड ह्यूमन एक्टिविटी, वाटर वेपर हम खुद क्रिएट नहीं करते, ये तो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वाटर खुद वेपर में बदल जाता है, लेकिन हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अगर ग्रीन हाउस गैसेज का कंसेंट्रेशन हम बढ़ा दें तो अर्थ गर्म हो जाएगा दोस्तों, अर्थ गर्म होगा तो वाटर ऑब्वियसली वाटर वेपर बन के ये उड़ जाएगा ऊपर, तो इस प्रकार से हम इसकी एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं बट हम इसको क्रिएट नहीं करते। ऑल राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एग्रीमेंट वगैरह से क्वेश्चन पूछ देता है, हमने बेसल कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था, मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल आपने पढ़ा भी होगा, इसके अलावा भी बहुत सारा है, ओके, जैसे यहाँ पर किगाली अग्रीमेंट इज रिलेटेड टू, किगाली जो समझौता हुआ है वो किससे संबंधित है, कार्बन टैक्स से है या ग्रीन हाउस इमिशन से है, ओजन प्रोटेक्शन से है, एयर पोल्यूशन से, तो किगाली दोस्तों यूजुअली क्या था कि HFC जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसके जो प्रोडक्शन था या इसके इमिशन को कम करना था, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हम जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेज है जो कि ओजोन को डिप्लीट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ओजोन डिप्लीशन में बहुत बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन है, इसी को कम करने के लिए हम किगाली एग्रीमेंट किए थे, तो ये ओजोन प्रोटेक्शन से रिलेटेड, याद रखिएगा ओजोन के प्रोटेक्शन से किगाली कन्वेंशन। किगाली एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू फेजिंग आउट द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज फॉर द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो भी हमारा ओजोन डिप्लीटिंग ओजोन को जो क्षरण करने वाला सब्सटेंसेज है उसके फेज मतलब उसको कम करने के लिए ये समझौता किया गया था, ओके। की पॉइंट्स देखिए, द किगाली एग्रीमेंट इज एन अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा 16 सितंबर 1987 को लागू हुआ था, 16 सितंबर 1987 को, उसी में एक प्रकार का ये अमेंडमेंट है, विच इज एन इन्वायरमेंटल ट्रीटी साइन बाय कंट्रीज टू फेज द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, बहुत सारे देशों ने इसमें संधि पर साइन किया था कि हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज जो भी हो सकता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो सकता है और भी है ग्रीन हाउस गैस, उसको हम कम करेंगे। हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस यूज इन रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग फ्रॉम द अर्थ एटमोसफेयर। ऑल राइट, देखिए किगाली एग्रीमेंट में क्या क्या हुआ था,
आफ्टर कमिंग इनटू फोर्स इन 1989 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज अंडरगॉन मेनी अमेंडमेंट। जो 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, ओके 16 सितंबर 1987 में से आया था, लागू हो गया था आपका 1989 में, इसमें कई सारा अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है। द किगाली एग्रीमेंट इज द 8th अमेंडमेंट, जो कि किगाली इसमें 8वां अमेंडमेंट है। इट इज़ सो नेम्ड बिकॉज इट हैपेंड इन किगाली, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि किगाली जो रवांडा की राजधानी है किगाली दोस्तों, या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किगाली किसकी राजधानी है, तो रवांडा की राजधानी किगाली, ओके साउथ अफ्रीकन कंट्री है रवांडा, ये आपका अफ्रीका में दोस्तों रवांडा, तो वहीं उसी की राजधानी किगाली, वहाँ पर हुआ था ये समझौता जिसके कारण इसका नाम किगाली एग्रीमेंट पड़ा है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द अमेंडमेंट द साइनिंग कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज द मैन्युफैक्चर एंड यूजेज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। जो भी इस पर साइन किए थे इस संधि पर, जो भी ट्रीटी पर साइन किए थे, उन सारे कंट्री ने मतलब एक प्रकार से ये कहा था या आश्वस्त किया था, श्योर किया था कि हम आगे से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जहाँ से भी रिलीज होता है, चाहे रेफ्रिजरेशन से रिलीज हो या जिस भी और से ग्रीन हाउस गैसेस से रिलीज होता है, तो हम उसको कम करेंगे। अबाउट 80-85% फ्रॉम द वेस्टलैंड यूनिट 2025 जो 2045 तक 80-85% इससे कंसनट्रेशन को कम कर देंगे। द किगाली अमेंडमेंट ड्यू टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर एंटर्ड इंटायर्ड इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 2019 फॉलोइंग रेटिफिकेशन बाय द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कंट्री द एग्रीमेंट एम्स टू फेस डाउन HFC बाय रिड्यूसिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजम्पशन। याद रखिएगा दोस्तों ये मेन इंपॉर्टेंट है कि इसका या तो ओजोन डिप्लीशन याद रखिए और HFC की गाली एग्रीमेंट का, यही दो मुख्य बातें हैं कि आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का कंसनट्रेशन को कम करना, फेस करना, फेस डाउन करना मतलब कम करना है, और साथ ही साथ जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं इसको भी हम किगाली कन्वेंशन में कम करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए जो हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उससे कौन जुड़ा हुआ है, या कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन योगदान देता है, ओके किसका इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो आपने नाम भी सुना होगा, इसमें बड़ा योगदान है किसका, बैक्टीरिया का। किस इसका दोस्तों, बैक्टीरिया का। तो इसमें से आपको देखना है कि बैक्टीरिया है कौन, रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है या ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ये तीनों जो आपका रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी दोस्तों, ये एल्गी का टाइप है, ओके ये एल्गी का टाइप है। ये थैलोफाइटा होता है, ये प्लांट है, ये थैलोफाइटा का कह सकते हैं, प्लांट का सबसे बेसिक फॉर्म है थैलोफाइटा। तो ये हमारा आपका बैक्टीरिया तो है नहीं। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, तो बैक्टीरिया होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऑलराइट, तो फोर्थ हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी आर एक्चुअली टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया नॉन एज साइनोबैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का एक प्रकार है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ऑलराइट, दे नॉर्मली लुक ग्रीन एंड समटाइम्स मे टर्न ब्लूइश व्हेन स्कम आर ड्राइंग। ये यूजुअली आपका ग्रीन दिखता है लेकिन कभी कभी ब्लूइश भी दिखता है, ओके इसलिए इसका नाम पड़ा है ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द अर्थ, पूरे धरती पर है ये। वाइल फिक्सिंग कार्बन फ्रॉम CO2 सर्टेन बीजे कैन फिक्स डाइनाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये जो है आपका जो नाइट्रोजन, इसको नाइट्रेट में कह सकते हैं, नाइट्राइट में NO2- में कन्वर्ट कर सकता है। ऑल राइट, कुछ अमोनिफिकेशन बैक्टीरिया भी होता है जिसको अमोनिया में कन्वर्ट कर सकता है, और कुछ तो बैक्टीरिया इवन ऐसा होता है कि डीनाइट्रिफिकेशन आपका जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट है उसको आपको नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको हम डीनाइट्रिफिकेशन भी कहते हैं। ओके इसमें थायबैसिलस है, सुडोमोनास है, ओके और जो नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया हमारा एजोटोबैक्टर है, आपने सुना भी होगा एजोटोबैक्टर का नाम, वो सब हमारा नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है। और जो नाइट्रेट से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, उसमें सुडोमोनास थायबैसिलस, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ ये। बीजीए कैन फॉर्म डायनाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बीजीए इंक्लूडिंग फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक फॉर्म। ये आपका फ्री लिविंग मतलब फ्री लिविंग में भी रह के आपका नाइट्रोजन को फिक्स करता है कभी कभी सिम्बायोटिक फॉर्म में। सिम्बायोटिक फॉर्म में आपने राइजोबियम का नाम सुना होगा दोस्तों, राइजोबियम ये क्या होता है, तो जो भी आपका लेग्यूम्स का प्लांट हो सकता है, दलहन का जो भी पौधा होता है उसको रूट में एज ए सिम्बायोटिक फॉर्म ये प्रेजेंट रहता है, और एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को ये नाइट्रोजन नाइट्रेट वगैरह में कन्वर्ट करता है। नो डाउट हमारे एटमोसफेयर में नाइट्रोजन का कंसनट्रेशन 28% है, लेकिन जो प्लांट है दोस्तों इसकी डायरेक्ट इसका यूज़ नहीं कर सकता है। प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रेट या नाइट्राइड के फॉर्म में, NO3- या NO2 के फॉर्म में चाहिए, NO2- के फॉर्म में चाहिए, लेकिन एटमोसफेयर में जो नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में है, गैसेज के फॉर्म में है, ओके तो ये काम कौन करता है, तो आपका बैक्टीरिया ही करता है, आइदर सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग फॉर्म में। प्लांट्स साइनोबायोंट ऑल हैव टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, उन सब के अंदर चार मेन कॉमन होता है। देखिए उसमें क्या होता है, हेटरोसिस्ट होता है। हेटरोसिस्ट एक स्पेशल प्रकार का, जो हमारा बैक्टीरिया है, ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, उसमें एक स्पेशल प्रकार का सेल होता है या कह सकते हैं कंपार्टमेंट है जहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, इसको हम हेटरोसिस्ट कहते हैं। याद रखिएगा हेटरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड टर्मोलॉजी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द ईस्टर्न एंड ऑफ द महात्मा गांधी सेतु एट पटना 7 जून 2022। देखिए महात्मा गांधी का जो पूर्वी लेन है, महात्मा गांधी ब्रिज का दोस्तों जो पूर्वी लेन है आपने देखा भी होगा, अगर आसपास कहीं हाजीपुर से उधर आपका घर है तो आप गए भी होंगे। तो पूर्वी लेन का जो इनॉग्रेशन उद्घाटन हो गया 7 जून 2022 को उद्घाटन किया गया, किसने किया तो देखिए नितिन गडकरी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नीतीश कुमार हैं, ANC है। तो नितिन गडकरी और नीतीश कुमार दोनों मिलकर इसका उद्घाटन किए, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, नितिन गडकरी एंड नीतीश कुमार, अमित शाह नहीं थे इसमें। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी एंड स्टेट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द ईस्टर्न एंड ऑफ द महात्मा गांधी सेतु एट पटना ऑन द स्टेट बिहार 7 जून 2022 को, 7 जून 2022 को इसका महात्मा गांधी सेतु का जो पूर्वी लेन है, पूर्वी लेन का उद्घाटन किया गया। बिल्ट ओवर द गंगा गांधी सेतु कनेक्ट पटना इन साउथ वेस्ट साउथ टू हाजीपुर इन नॉर्थ, जो दक्षिण से उत्तर की तरफ आपको पटना को हाजीपुर से कनेक्ट करता है। द ब्रिज हैज़ बीन रिकंस्ट्रक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हाईवेज अथॉरिटी है उन्होंने इसको बनाया है। 1742 करोड़ रुपये इसमें खर्च हुआ, याद रखिएगा 1742 करोड़ रुपये इसमें खर्च हुआ है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के पैकेज से आया है। द ईस्टर्न लेन ऑफ द महात्मा गांधी सेतु विच वॉज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द कंट्री फॉर 35 ईयर, मतलब पहले तो ये 35 साल तक दुनिया का सॉरी भारत का सबसे बड़ा ब्रिज था, हैज़ बीन कम्प्लीट आफ्टर 5 ईयर, 5 साल लगा इसको पूरे होने में। दिस ब्रिज विल बी ए लाइफ लाइन फ्रॉम पटना टू नॉर्थ बिहार, ऑब्वियसली पटना से नॉर्थ बिहार के लिए एक प्रकार से जीवन रेखा का काम करती ही है। नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम पटना टू वैशाली विल बी कवर इन 15 मिनट, पटना से वैशाली की दूरी आप 15 मिनट में ही कवर हो जाएगी। इट इज़ मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ सीमेंटेड, ये स्टील का बना हुआ है दोस्तों, सीमेंट का इसमें इस्तेमाल बहुत कम किया गया है, तो इसलिए इसको स्टील ब्रिज भी कहते हैं। द ब्रिज इज द लार्जेस्ट स्टील ब्रिज इन द कंट्री, इट इज़ 5.6 किलोमीटर लॉन्ग। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा, कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज है, याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज है जिसकी लंबाई 5.6 किलोमीटर है। ऑल राइट, सच ए स्टील ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, 67,000 टन ऑफ आयरन हैव बीन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, याद रखिए दोस्तों कितना इसमें स्टील लगा है, तो 67,000 टन इसमें स्टील का यूज हुआ है, साथ साथ इसे खर्च आपको बताया 17,042 करोड़ रुपये इसमें खर्च आया है। ओके 17,042 करोड़ रुपये खर्च आया है, 67,000 टन स्टील आयरन का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज़ नॉन डैट महात्मा गांधी सेतु हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर अंडर 15 नेशनल हाइवेज प्रोजेक्ट एट ए कॉस्ट ऑफ 13,585 करोड़, इसको जो बनाया गया था शुरुआत में तो 13,585 करोड़ रुपये इसमें खर्च लगा था, जो नेशनल हाईवे हमारा 15 हाईवे का प्रोजेक्ट था उसके अंतर्गत बनाया गया था। द ब्रिज वॉज ओरिजिनली इनॉग्रेटेड इन 1982 बाय द देन प्राइम मिनिस्टर गांधी, इंदिरा गांधी, उस समय लगभग 1982 में इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। द 5.57 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज वाज इन डायलेबिलिटेड कंडीशन इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस बिफोर मोदी गवर्नमेंट, कहने का मतलब कि इससे पहले मोदी जी से पहले 2014 से पहले ये इसमें बहुत प्रॉपर इस चूंकि मैनेजमेंट नहीं किया गया था तो मेंटेनेंस नहीं था, तो इसकी मतलब खतरनाक स्थिति में था ब्रिज। इन 2016 अप्रूव्ड द रिकंस्ट्रक्शन द 4 लेन ब्रिज एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 1742 करोड़, 2022 में इसको 2016 में इसको मतलब दोबारा इस पर 4 लेन ब्रिज को रिकंस्ट्रक्ट बनाने का एक प्रोजेक्ट पास हुआ था 1742 करोड़ का। द ब्रिज वाज कंस्ट्रक्टेड आफ्टर डिसमेंटलिंग द डैमेज प्रीस्ट्रेस्ड कैंटिलीवर आर्म्स सुपर स्ट्रक्चर एंड सब्सिक्वेंट रीडेकिंग बाय स्टील ट्रस, इसको फिर से दोबारा बनाया गया है, जो भी हमारा कह सकते हैं कि जो पोर्शन खराब हो चुका था उसको तोड़ के फिर से पूरे अच्छी तरह से बनाया गया। ओके पूर्वी लेन पश्चिमी लेन दोनों बनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच स्टेट द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड ए $96.3 मिलियन लोन टू फंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन जुलाई 2022। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट ने किसको $96.3 मिलियन का कह सकते हैं कि लोन दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान को, झारखंड को, गुजरात को या हिमाचल प्रदेश को, तो एशियन डेवलपमेंट ने दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश को दिया है $96.3 मिलियन इतना का इन्होंने एक प्रकार से फंड दिया है हिमाचल प्रदेश को सेफ ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए। देखिए द एशियन डेवलपमेंट हैज़ अप्रूव्ड ए $96.3 मिलियन लोन टू फंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश को दिया है। द लोन हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर द हिमाचल प्रदेश रूरल ड्रिंकिंग वाटर इंप्रूवमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। द एशियन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विल कनेक्ट 75,800 हाउस होल्ड टू द सर्विसेज प्रोवाइडिंग अन इंटरप्टेड वाटर सप्लाई टू अबाउट 37,70,000 रेसिडेंट ओवर ए क्रॉस 10 डिस्ट्रिक्ट, मतलब इस पूरा डाटा थोड़ा ध्यान रखिएगा, इतना इतने पूछेगा आप बस ये ध्यान रखिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों $96.3 मिलियन ओके $96.3 मिलियन किसको दिया तो हिमाचल प्रदेश को दिया, ये मोर देन सफिशियंट है, इतना ही पूछेगा। ओके अगर पूछेगा तो
और एक बात और ध्यान रखिए, एशियन डेवलपमेंट का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला, मनीला में इसकी हेडक्वार्टर है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर से। इन अप्रैल 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार हैज़ डेवलप्ड ए काउंटर ड्रोन सिस्टम। अब बिहार का वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाया है, ओके, डेवलप किया है, तो काउंटर ड्रोन सिस्टम ये आपका IIT पटना दोस्तों, IIT पटना बीटा के आसपास IIT पटना, इन्होंने काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाया है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। IIT पटना इंक्यूबेशन सेंटर हैज़ डेवलप्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम, इट विल सिक्योरिटी एजेंसीज टू डिटेक्ट अनऑथराइज्ड ड्रोन्स फ्लाइंग विदाउट परमिशन। कोई अगर कह सकते हैं ऑथराइज्ड कोई ड्रोन अगर फ्लाई कर रहा है तो उसको ये पहचानने में हेल्प करेगा। द काउंटर ड्रोन सिस्टम डिटेक्ट एनी अनऑथराइज्ड ड्रोन थ्रू सर्विलांस एंड फोरकास्ट फोर्सेज इट्स लैंडिंग। मतलब एक तो ये पहचान भी लेगा और उसको मतलब फोर्स कर सकता है कि लैंड करने के लिए, कोई भी अगर अनऑथराइज्ड अगर ड्रोन्स अगर हमारे इलाके में आ जाता है तो उसको ये सर्विलांस में लगे उसके उसको यह छान खोजबीन कर सकता है और सब साथ ही साथ दबाव भी डाल सकता है कि उसको तुरंत लैंडिंग करना है। द काउंटर ड्रोन सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिटेक्शन ट्रैकिंग एंड न्यूट्रलाइजेशन, इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी एंड ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ ड्रोन लीड्स टू द इंक्रीज इन मैलिशियस प्रैक्टिसेस लीडिंग टू थ्रेट टू पायरेसी प्रोटेक्शन एंड नेशनल सिक्योरिटी। मतलब नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर किसी इशू में अगर कोई ड्रोन हमारे इलाके में आता है और किसी प्रकार का कह सकते हैं कि मेल प्रैक्टिस करता है, हो सकता है कोई कोई ऑब्वियसली आजकल तो ड्रोन से दोस्तों सारा काम हो सकता है। ड्रोन भी अगर मान लीजिए अगर हम बॉम्ब लगा दें और किसी इलाके में जाकर छोड़ दें तो वो भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम IIT पटना द्वारा डेवलप किया गया है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है एन इंटरनेशनल मूवमेंट विद इट्स मोटो टू सेव द वर्ल्ड इन्वॉल्विंग इटसेल्फ विद एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज। देखिए कोई इंटरनेशनल एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य क्या है, तो सेव द वर्ल्ड बाय इन्वॉल्विंग इटसेल्फ विद एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, तो खुद को इन्वॉल्व करके इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है, ओके, बाय इन्वॉल्विंग इटसेल्फ, स्वयं को इन्वॉल्व करके इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमको सेव करना है। ये इस प्रकार का कौन सा इंटरनेशनल आंदोलन है, तो ग्रीन पीस, याद रखिएगा ग्रीन पीस। ग्रीन पीस वाज द इंटरनेशनल मूवमेंट विद इट्स मोटो टू सेव द वर्ल्ड बाई इन्वॉल्विंग इटसेल्फ विद एनवायरमेंट प्रॉब्लम, खुद को मतलब खुद जूझ के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है, ये ग्रीन पीस का एक प्रकार से मोटो है। ग्रीन पीस इज एन इंडिपेंडेंट ग्लोबल कंपेन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन डेट एक्ट टू चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर टू प्रोटेक्ट द कंजर्व एनवायरमेंट एंड प्रिपेयर प्रमोट पीस बाय। एक प्रकार से एक तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है, शांति भी स्थापित करना है, कैटलाइजिंग एंड एनर्जी रिलीजन टू एड्रेस द नंबर वन थ्रेट फेसिंग आवर प्लैनेट, क्लाइमेट चेंज पर यह बात करता है। ग्रीन फील्ड इज अ टर्म फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेट रेफर्स टू अनडेवलपमेंट लैंड। देखिए ग्रीन फील्ड इंपॉर्टेंट टर्म हो सकता है दोस्तों, एक प्रकार का एक टर्म है। ग्रीन फील्ड इज अ टर्म फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेट रेफर टू अनडेवलप्ड लैंड। जो अनडेवलप्ड लैंड में हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगर बनता है तो उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है आपका ग्रीन फील्ड। ऑल राइट, ग्रीन फील्ड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी दोस्तों ग्रीन फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज फर्स्ट बिल्डिंग मेड ऑफ बायो ब्रिक्स फ्रॉम एग्रो वेस्ट वाज इनॉग्रेटेड। देखिए एग्रो वेस्ट जो हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट से एक ब्रिक बनाया गया जिसका नाम है बायो ब्रिक, तो सबसे पहले कहाँ पर बनाया गया, इंडिया इज फर्स्ट बिल्डिंग मेड ऑफ, अब उससे पूरा बिल्डिंग भी तैयार किया गया दोस्तों बायो ब्रिक्स, उस बायो ब्रिक्स से बिल्डिंग भी पूरा तैयार किया गया है जो कि बायो ब्रिक्स बना आपका एग्रो वेस्ट से, एग्रीकल्चरल वेस्ट से ब्रिक बनाया गया है जिससे पूरा बिल्डिंग बनाया गया, तो कहाँ बनाया गया, पहला दिल्ली में, हैदराबाद में, कानपुर या तो खड़गपुर में, तो IIT हैदराबाद में। कहाँ दोस्तों, IIT हैदराबाद में बायो ब्रिक्स जो कि एग्रो वेस्ट से बना उससे पूरा बिल्डिंग तैयार किया गया, पहला तो आपका IIT हैदराबाद में, IIT हैदराबाद। देखिए IIT हैदराबाद इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट बिल्डिंग मेड ऑफ बायो ब्रिक्स फ्रॉम एग्रो वेस्ट, एग्रो वेस्ट जो बायो ब्रिक बनता है उससे ये पूरा का पूरा बिल्डिंग तैयार किया गया है। द इंस्टीट्यूट विल सबमिट टू ए प्रपोजल द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू प्रमोट इट्स अंडर वाइड एडॉप्टेशन बाय द रूरल कम्युनिटी। रिसर्चर एट द IIT डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एग्रीकल्चर वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सस्टेनेबल मटीरियल विच इन टर्न कैन बी यूज टू बिल्ड एको फ्रेंडली कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रक्चर। मतलब उसमें यह बताया गया कि हम किस प्रकार से एग्रीकल्चर वेस्ट को भी हम सही से इस्तेमाल कर सकते हैं, सस्टेनेबल मटेरियल के जैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, और ताकि हम उसका इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रक्चर कुछ बना सकें। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर द मटेरियल एग्जिबिट एक्सेलेंट थर्मल इंसुलेशन एंड फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टी। इसके अंदर जो आपका थर्मल इंसुलेशन बेहतरीन है, मतलब जल्दी आग नहीं पकड़ेगा, और फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टी भी उसी प्रकार का है। When used in roofing and wall paneling, it can effectively reduce the heat gain by 506 degree. अगर हम इसका रूफिंग वगैरह करते हैं दोस्तों, अगर छत का निर्माण इसमें करते हैं, देखते होंगे कि कोई कोई मकान में लोग यूजुअली लगाते हैं टेम्परेचर को कम करने के, ओके, तो 506 डिग्री टेम्परेचर आपको कम कर देगा, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, ओके।
नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्वायरमेंट इकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है। एज पर यूएन यूनाइटेड नेशन द अर्थ इज नाउ अबाउट वार्मर देन इट्स द वार इन द 1800 जो 1800s में 1800 के ईस्वी में जो हमारा पृथ्वी का जो टेम्परेचर था और अभी का टेम्परेचर उसमें कितना इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। ओके तो 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है, याद रखिएगा 1.1 डिग्री सेल्सियस जो 1800 में था, 1800s में था, और अभी जो 2000 में 2022 में चल रहा है उसमें 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है, हालत ख़राब कर दिया है। एज पर यूएन ग्रीन हाउस गैसेज कंसनट्रेशन आर देयर हाइस्ट लेवल्स इन 2 मिलियन ईयर्स, जो मतलब 20 लाख साल में दोस्तों जो ग्रीन हाउस गैस का जो कंसनट्रेशन होना चाहिए वो अभी मैक्सिमम है। एंड इमिशंस कंटिन्यू टू राइज, और ये इमिशन जो है लगातार बढ़ ही रहा है, एज जिसके कारण क्या कि द अर्थ इज नाउ अबाउट 1.1 डिग्री सेल्सियस वार्म देन इट्स वैल्यू इन द 1800s, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर है 1.8 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है। द लास्ट डिकेड वॉज द वार्मस्ट ऑन रिकॉर्ड, 2011 से 2020 में मतलब देखा गया था सबसे ज़्यादा गर्म। इन ए सीरीज ऑफ यूएन रिपोर्ट, सीरीज ऑफ यूएन रिपोर्ट, थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट एंड गवर्नमेंट रिव्यू एग्रीड दैट लिमिटिंग ग्लोबल टेम्परेचर राइज नो मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस वुड हेल्प अस टू अवॉइड द वर्स्ट क्लाइमेट इंपैक्ट एंड मेंटेन ए लाइवेबल क्लाइमेट। अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है दोस्तों उसके आसपास, तो ये मतलब बहुत ही खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज जो है भयंकर तरीके से देखने को मिलेगा। ये बेस्ड ऑन, अभी भी आपने सुनने को मिला होगा 30% जो ग्लेशियर हमारा एकदम पिघलना स्टार्ट हो गया है, इतना टेम्परेचर है फिर भी 30% ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट हो चुका है। अगर 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए दोस्तों इतना डिग्री के आसपास, तो स्थिति बहुत ही बेहद खतरनाक स्थिति हो जाएगी। नेशनल क्लाइमेट प्लान ग्लोबल वार्मिंग इज प्रोजेक्टेड टू रीच अराउंड 3.2 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। बहुत बड़ी डाटा है कि सेंचुरी के एंड तक, इस शताब्दी के अंत तक 3.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। ओके इस टेम्परेचर को बियर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड है। द ऑपरेशन प्रहार इन बिहार इज रिलेटेड टू, बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे रिलेटेड है? लिटरेसी कंपेन से, नो स्मोकिंग से, लीकर बैन से, या कोविड-19 वैक्सीनेशन? तो हमारा जो ऑपरेशन प्रहार है दोस्तों लीकर बैन से, आपका जो शराबबंदी है उससे रिलेटेड है आपका ऑपरेशन प्रहार। ओके देखिए, द रिसेंटली इन द रिपोर्ट रिलीज बाय द बिहार पुलिस हेडक्वार्टर इट हैज़ बीन टोल्ड दैट ऑपरेशन प्रहार वाज बीइंग कंडक्टेड टू अरेस्ट द वायलेटर ऑफ द प्रोहिबिशन लॉ ऑन द लीकर बैन, जो भी मतलब लीकर बैन जो हमारा शराबबंदी को जो भी इसको एक प्रकार से प्रोहिबिशन इसको सही से लॉग यूज़ नहीं कर रहा है, इसका जो उल्लंघन कर रहा है उसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया गया बिहार में। अंडर दिस अमेंडमेंट वाइल चेंजिंग द बेसिक लॉ ऑफ 2016 प्रोहिबिशन हैज़ बीन मेड टू रिलीज इट बाय पेइंग ए फाइन। पहले क्या था कि अगर आप शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको मतलब जेल में निश्चित है कि जाना ही पड़ेगा, लेकिन अब है कि थोड़ा बहुत फाइन देके आपको छोड़ा जा सकता है। ओके थोड़ा बहुत ढील दिया गया क्योंकि बहुत सारे लोग जेल में जाने लगे थे। ऑल्सो इफ एनी पर्सन इज फाउंड टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अल्कोहल और इंटॉक्सिकेंट ही शैल बी इमीडिएटली अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अगर आप किसी प्रकार का शराब या नशा वगैरह का सेवन करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जल्द ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। इफ द बल्क रिकवरी ऑफ लीगर टेक्स प्लेस फ्रॉम द टेम्पररी प्रीमिसेस विच कैन नॉट बी सील्ड सच एज प्रीमिसेस मे बी डिमोलिश्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर, कलेक्टर के ऑर्डर से अगर किसी भी प्रीमिसेस में, किसी भी प्रांगण में बहुत बड़े पैमाने पर आपको अगर शराब या कोई भी नशा जैसे अगर सामग्री मिलता है, ड्रग्स वगैरह मिलता है, तो पूरे के पूरे प्रीमिसेस को ध्वस्त करने का अधिकार आपको कलेक्टर को दिया गया है। ऑल राइट तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, हम आगे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और एडमिट कार्ड रिलेटेड आप चिंता ना करें, एडमिट कार्ड आएगा दोस्तों, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ओके आगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पेपर वन से रिलेटेड और पेपर टू से रिलेटेड। दोस्तों हमने बहुत सारा क्वेश्चन आपको पहले ही प्रैक्टिस करा दिया, जरूर उसको देखिए, रिविजन कीजिए और अपने पढ़ाई को मजबूत बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आगे कोई भी क्वेरी वगैरह होगा तो हम आपको, कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे सबसे।